मुंबई से सटे इलाके थाना के अरुण मुछाला पॉलिटेक्निक कॉलेज के एनुअल डे के मौके पर जिंदा शहीद MS बिट्टा के हाथों शियोन कम्युनिकेशन एंड मीडिया कंपनी की लॉन्चिंग की गई। आपको बता दें कि इस कंपनी के डायरेक्टर हैं कुशाल शाह और जाने माने कोरियोग्राफर एक्टर मुंबई दार्शनिक के संपादक कल्याण जी जाना। तो इस कार्यक्रम में मुछाला ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति अरुण मुछाला, सूरज मुछाला समेत मशहूर सिंगर शबाब साबरी के अलावा तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर लोगों ने क्या कुछ कहा। नहीं, बहुत ही मज़ा आया है और जैसे मुछाला ग्रुप की बात रही है उसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि सूरज भाई जो हैं वो मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत छोटे भाई की तरह मुझे प्यार देते हैं। उनका हुक्म हुआ कि शबाब आज एनुअल फंक्शन है, बिट्टा जी भी आ रहे हैं, आप भी आओ। तो मैं भाई कल मेरा शो था भुवनेश्वर से डायरेक्ट एयरपोर्ट से आप तक रूबरू हो रहा हूँ। कुछ मालूम नहीं कि क्या फंक्शन था क्या नहीं था, आपके सामने बस मैं आया हूँ सभी। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है शो का, जो रहा है बहुत अच्छा लगा है। और उसके साथ साथ जो यहाँ का एक एटमॉस्फेयर देखने को मिला, बहुत मज़ा आया। तो आपने इतने सारे परफॉर्मेंस अपने लोगों के बीच में दिए, तो आने वाले क्या आपके प्रोजेक्ट हैं और जिस तरह से 26 जनवरी आ रही है तो कोई एक लाइन आप बुलाना चाहेंगे? देखिए, आने वाले प्रोजेक्ट तो आपको इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद मालूम ही हो जाएगा क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। रही 26 जनवरी की बात, तो उसके लिए हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। समझ काफी है? मुछाला ग्रुप ने, अरुण मुछाला ग्रुप जी ने आज नहीं, शुरू से ही हर स्कूल, हर कॉलेज, जहाँ जहाँ भी वो अपने काम को देखते हैं, हमेशा सबसे पहले वो संस्कार सिखाते हैं, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति सिखाते हैं, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर सिखाते हैं। जिस हिंदुस्तान का और जिस राष्ट्र की संस्कृति और उसका कल्चर जिंदा रहता है, वो देश भी हमेशा मजबूत रहता है। ये बहुत उनका अच्छा कदम है। और दूसरा कदम किया है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर राष्ट्रभक्ति का जो कार्यक्रम किया गया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जवानों के ऊपर, शहीद परिवारों को याद किया गया, ये सबसे बड़ा उनका एक कदम था। और हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर यही काम होना चाहिए। जिस तरह से कॉलेज में और घर में युवाओं को एक शिक्षा दी जाती है, एक परवरिश दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन सुनने को मिलता है कि कितनी सारी घटनाएं सुनने को मिलती है, तो क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है, कॉलेज में शिक्षा में कमी रह जाती है या घर की परवरिश में कमी रह जाती है, किस तरह से वारदात होती है? अपने अपने कॉलेज, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, अपने अपने कल्चर का हिसाब होता है। जैसे इस यूनिवर्सिटी के, इस कॉलेज के अंदर संस्कृति दी गई राष्ट्र के लिए, देश के लिए, ऐसे कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जहाँ ये सिखाया जाता है। अलग अलग कल्चर, हर संस्कृति है, पर हमें अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्रभक्ति, अपना पुराना इतिहास, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, स्टूडेंट लीडर जो थे, उनके इतिहास को हमेशा स्टूडेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि अपना जो स्टूडेंट है वो उनके रास्ते को अपनाता हुआ, उन्होंने आज़ादी लेके दी, ये आज़ादी की रक्षा करें। हम भी उनकी तरह एक स्टूडेंट थे, आज हम भी उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पुराने इतिहास को जो जिंदा रखता है, वो हमेशा आगे देश बढ़ता है। एनर्जी की बात करें बेटा साहब, तो आप जब स्पीच दे रहे थे जी, तो आप एनर्जी की अगर बात करें, तो जब आप स्पीच दे रहे थे तो लोगों को आँखें निकल के सांसें भी थम गई, बड़े शांति से आपका स्पीच सुनते थे, कहाँ से आती है एनर्जी और कहाँ से आता है सब? जितने जितने बम गोलियाँ चलते हैं, एनर्जी बढ़ती जाती है। जितने जितने दर्दें शरीर में होती हैं, राष्ट्र के लिए प्रेम बढ़ता जाता है। मातृभूमि की, तिरंगे झंडे की, वंदे मातरम के अंदर अगर दिल से उसको जोड़ लो, बहुत बड़ी शक्ति और ताकत है।
अगर हवा में बातें करो कोई ताकत नहीं, अगर दिल से जोड़ लिया ताकत है, और जो ताकत है उस ताकत के कारण ही आज मैं जिंदा हूँ, उस ताकत ने ही मुझे कभी बम गोलियाँ जो हैं पूरे फूलों की तरह लगे हैं। राष्ट्र देश प्रथम राष्ट्र सबसे बड़ी ताकत। जिस तरह से हमने बम गोलियों की बात की है, आपने बॉर्डर पे देखा जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अभी फायरिंग चल रही है, मासूम लोगों की जाने भी जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान आगे? हमारे जवानों की शहादतें हो रही है इसमें कोई शक नहीं, पर एक जवान शहीद होता है तो उनके 15 मारे जाते हैं, एक चौकी तबाह होती तो उनकी 15 की जाती है। शहादतें होती रहेंगी इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, पर पहले वाला काम नहीं है कि गोली चलती है उनके साथ बातचीत होती है। आज गोली चलती है तो बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो गोली चलती रहेगी, पर हिंदुस्तान गोली नहीं चाहता है, हिंदुस्तान अमन चाहता है। देश जहां जाति पाति और फिल्मों बॉलीवुड में है, जैसे पद्मावती का आजकल चल रहा है, तो बेटा क्या रिएक्शन होगा ये पद्मावती को लेकर जो बवाल मचा हुआ है? देखो मैं, मुझे इन पिक्चरों के बारे में कभी देखता नहीं हूँ। भगत सिंह जी की पिक्चर देखी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की देखी थी, वॉक ऑफ बॉर्डर देखी थी, सिंघम 2 देखी थी या सिंघम 1 जो भी वो देखी थी, मुझे इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी पिक्चरें हैं ये राष्ट्रभक्ति को बढ़ाती हैं, राष्ट्रभक्ति की तरफ पिक्चरों की तरफ और जाना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। क्या कंट्रोवर्सी है क्या नहीं है, किसी धर्म को किसी कास्ट को किसी मजहब को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए कोई भी हो। और चलते पार्टी क्या जबरदस्ती मेरे बारे में समझ नहीं पाया बेटा, क्या बोलते हैं आप? जो कार पार्किंग की जगह होती है जहाँ पे कार पार्किंग अलाउड नहीं होता है, अच्छा, तो ऐसा सुनने में आया कि आप जबरदस्ती वहाँ पे अपनी कार पार्किंग करने की। सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ रही थी सर, आपका क्या ओपिनियन? देखो ऐसा है, वो पुरानी बात थी, अब मेरी जेड प्लस सिक्योरिटी है। अगर मेरे पुलिस इंस्पेक्टर या मेरे पुलिस के इंचार्ज कहेंगे साहब इतनी दूर आप पैदल नहीं चलेंगे, आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, उन्होंने अपनी जेड प्लस सुरक्षा देखनी है, को कार बम ना कर दे, कोई ह्यूमन बम ना मेरे साथ लगा ले, वो सुरक्षा का मैटर है। सुरक्षा के मैटर के ऊपर ऐसा हुआ होगा ना, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती, मेरे पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं, मैं तो सरकारी गाड़ी में होता हूँ, ड्राइवर सरकारी है, पुलिस सरकारी है, गाड़ी सरकारी है, मैं तो कुछ में दोषी थोड़ा हूँ। कल हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम था, सिविल डिफेंस एनसीसी के उन बच्चों के साथ शपथ ली आज़ादी की रक्षा के लिए, दिल्ली के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के ऊपर हमें सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को बच्चों को नई जनरेशन को जरूर पढ़ाया। अरुण जी आपका क्या कहना है? स्पीच के दौरान बताया कि मोदी जी की बात की आपने कि 56 की छाती, और जिस तरह से आप बोल रहे थे बीजेपी, मतलब आपको क्या लग रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं लेकिन बीजेपी काम नहीं कर रही? नहीं, ना मोदी जी काम कर रहे हैं ना बीजेपी काम कर रही है, मोदी जी की पॉलिसी काम कर रही है। मैं मोदी जी की पॉलिसी के साथ हूँ, जो हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारे जवानों को गोली चलाने के लिए मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं, मैं सिर्फ उनकी पॉलिसी के साथ हूँ। उनकी पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर, राष्ट्रभक्ति के ऊपर, सीमाओं की रक्षा के लिए जो कड़क है, मैं उस पॉलिसी का समर्थन। अरुण जी क्या मैं तो पिताजी को इसलिए लाया था कि हमारे जो स्टूडेंट है उसमें एक डेयरिंग पावर आ गए, और जो पिताजी के ऊपर बीती है उससे हमारे जो बच्चे लोग हैं उसमें इतना पॉजिटिव एक एनर्जी भरने के लिए खास ये प्रोग्राम रखा था, और आज हमारे सब बच्चे लोग भी उससे खुश हैं। बिट्टा साहब के बारे में एक अच्छी बात और एक बुरी बात, दोनों से एक एक करके बताना हो, क्या अच्छी बात क्या होगी और बुरी बात? बिट्टा जी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे कुछ बुरी बात दिख ही नहीं रही है, कि जो एक राष्ट्र प्रेमी है और राष्ट्र प्रेमी के लिए और ऐसे ऐसे बलि जो लोग एक समाज पूरा हिंदुस्तान ने
जब उसको जिंदा शहीद का अवार्ड दिया हो, इसके बारे में और मैं क्या बता सकता हूँ। एक प्राउड हमारे एक हिंदुस्तान को होना चाहिए कि आज हमारे सामने बिट्टा जी है और बिट्टा जी राष्ट्र के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको धन्यवाद देना चाहिए। वंदे मातरम। थैंक यू। जो कंपनी लॉन्च हुई है, मैं इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये भी कहीं ना कहीं अच्छे मिशन को लेके कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ेगी अपने राष्ट्र की सेवा जरूर करेगी अपने अपने रूप में, को राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इन तरफ लेके जाएंगे जिसमें हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़े। जैसे अभी इन्होंने एक अच्छा डांस करके बताया, तिरंगे झंडे को लेके बताया, वंदे मातरम को लेके बताया, तो ये भी अपने नौजवानों को एक जज्बा पैदा करती हैं। अभी रैम्बो जी का शो हुआ 26/11 को लेकर के, गणतंत्र दिवस को लेकर के, वहाँ शहीदों को इकट्ठा किया गया, तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। मैं बहुत मुबारकबाद दूँगा। जो हम कोशिश कर रहे हैं वो है टू गिव द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टुडे। लाइक आप दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे, आप लैब्स देखेंगे, एक कंप्यूटर है जहाँ पे 4 बच्चों को बिठा दिया, 5 बच्चों को बिठा दिया। सो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक लैब है, एक बच्चा है, एक कंप्यूटर है और वो शांति से बैठा है, पीसफुली पढ़ रहा है, लैब में सारे सामान हुए, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगे कि भाई मैं ये चीज़ नहीं पढ़ पाया हूँ। कोशिश ये है कि अगर बच्चा कुछ बना नहीं पाता है तो एटलीस्ट वो डिसमेंटलिंग सीखे, ताकि एटलीस्ट वो कुछ तोड़ पाए, ताकि यहाँ से व्हेन ही गोज आउट उनके पास ऑप्शंस है। कुछ नहीं आने के बावजूद भी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर सके। जैसे फोर्ड कंपनी वाले बीच में आए थे पूरा ऑटोमोबाइल्स का बैच लेने की कि भाई हम आपके बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं। बच्चे बोलते हैं नहीं, हमारे को डिग्री मिल जाना। सो नो डाउट डिप्लोमा के बाद लोग डिग्री जनरली ऑप्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि उनके लिए जॉब मार्केट भी ओपन है। जॉब लेना नहीं लेना, इट इज़ ऑल कम्प्लीटली देयर कॉल। लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, बड़ी बातें करते हैं, पर हम सबको हमारे देश के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी चोज बिट्टा जी। जैसे हमारे शबीर साहब है, उनको लेके आए, जो एंटरटेनमेंट देते हैं दुनिया में, उन लोगों को लेके आना तो आई थिंक थोड़ा फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को एक ईजी होता है कि मुझे कौन सी राह पर चलना है। So we are just trying to give them a nice path where they can walk on. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ha. हाँ, सबसे पहले मैं अरुण मुछाला ग्रुप को मैं सलूट करता हूँ, और मेरे जो अरुण सर हैं, ये मेरा पिता समान है, और सूरज सर जो है मेरा बड़ा भाई है, और आशीष भाई जो है जिन्होंने मुझे मिलाया, मतलब इन सभी को, तो सबसे मैं सलूट करता हूँ आशीष भाई को, आशीष प्रभुगांवकर को और कृणाल शाह वो शाह को। सर मैडम बोलिए। हाँ, मैंने बेसिकली एक बच्चों को मैं डांस कराया अभी इस कॉलेज में, उसके बाद मेरा अभी आज एक सीओन कम्युनिकेशन एंड मीडिया का आज मेरा लंच हुआ है, तो सबसे पहले मैं मीडिया को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि मीडिया मेरे लिए आते हैं और मेरे लिए हेल्प करते हैं, और मेरे लिए वो जहाँ मैंने बुलाया वो आए हैं, तो सबसे पहले मैं मीडिया को मैं सलूट करता हूँ, और जितने भी कैमरे लेके यहाँ पे खड़े हैं मेरे बड़े भाई, इन सभी को मैं सलूट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो अगर मीडिया ना होता तो ये कल्याण जी जाना ना होता। तो मेरी अभी फिल्म आ रहा है जिसका नाम है ड्रीम सिटी मुंबई, जो 3 साल से अटका पड़ा था, तो अभी वो फिल्म अभी आ रहा है मार्केट में,
और उसके बाद मेरा अभी फिल्म शुरू करना जब मैं जा रहा हूँ गुना है इश्क, और ये कॉलेज में खाली इतनी बोलता हूँ, ये कॉलेज मुझे एक मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, और ये कॉलेज में मैंने 3 दिन पहले से आके मैं डांस सिखाया, और बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस किया, और अपना जो कंपनी है जिसका नाम है सियोन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, तो ये आज लॉन्च किया मैंने बिट्टा साहब के ये हाथों से, तो थैंक यू बोलता हूँ मैं पूरी जनता को और पूरी मेरे स्टूडेंट को। पता नहीं वो फिल्म बन के बोर आ गया है ड्रीम सिटी मुंबई में, पता नहीं क्या फड़ा आ गया, 3 साल से मैं बहुत पोस्टर में लगाया, बहुत पोस्टर में लॉन्च किया, लेकिन फिल्म अभी तक नहीं आए, अभी फिल्म आएगा, फिल्म अच्छा बनाया, झुना हो गया फिल्म, हाँ 2018 में नहीं, 2018 के 6 महीने के पहले हो जाएंगे, क्योंकि 2018 12 महीना होता है, तो 6 महीने के अंदर ही मेरी फिल्म आ जाएंगे मार्केट में। और मैं थैंक यू बोलता हूँ मैम प्रिया मैडम को, बेसिकली प्रिया मैडम मेरा घर में आके मेरा इंटरव्यू लिया था 1-to-1, तो मैं सलूट करता हूँ प्रिया मैडम को, और एंड वो अंकिता है, अंकिता आज मलेशिया में है, वो शो कर रही है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि काम है, हम लोग दोनों एक ही फिल्म है, तो मैं आज इंडिया में हूँ, कि अभी तक मैं बाहर का हूँ, किधर गया नहीं है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड सब जा रही है, तो अच्छी बात है, वो करना चाहिए, अच्छी वो अच्छा काम करती है वो, और सबसे बड़ी बात है प्रिया मैडम को याद रहता है मेरी गर्लफ्रेंड, थैंक यू, लव यू मीडिया, थैंक यू सूरज भाई, थैंक यू कुणाल, हाँ मैं अगर मीडिया अगर कैमरा ऑन है तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हाँ पद्मावती फिल्म जो है ना, हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो बहुत पैसा लगते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत मेहनत के बाद कम से कम टीम में 2000 लोग काम करते हैं, सबका घर चलता है, लेकिन फिल्म को लोगों ने मुद्दा बना देता है, लेकिन ये फिल्म में जो मुद्दा जो बना था वो सब काट दिया गया है, डायरेक्टर साहब जो है बंसल साहब ने बहुत अच्छा चीज़ ये फिल्म दिया है, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इस फिल्म को देखें, इस फिल्म आए, इस फिल्म रिलीज़ हो, क्योंकि पद्मावती फिल्म जो है बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी कहानी है, तो मैं चाहता हूँ वो ये फिल्म मार्केट में आए, और जो वीर सेना क्या सेना है, हाँ करनी सेना, वो करनी सेना को मैं खाली इतनी बोलता हूँ, जो करनी सेना जो है आप लोग बहुत ताकतवर हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन अपना ताकतवर अगर आप बॉर्डर में, जिस बॉर्डर में जवान लोग खड़े हैं, जिस बॉर्डर में लोग पाकिस्तान चीन आके खड़े होते हैं, आप उनके लिए आप जाओ, ये फिल्म वाले के लिए, हम लोग के लिए, एक्टरों के लिए, प्लीज़ इनके लिए मत आइए, अगर आप कुछ दिखाना है, कुछ करना है, सही में करने से ना आपके अंदर कोई जोश है, ताकत है, तो प्लीज़ आप बॉर्डर में जाओ, पाकिस्तान को दिखाओ, चीन को दिखाओ, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को आप मानने के लिए आप उतला हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, जो भी फिल्म के अंदर गंदा चीज़ था, जो भी कुछ था उन्होंने काट कर दिया, प्लीज़ ये फिल्म मार्केट में आए और फिल्म चले। हमने आज एम एस बिट्टा जी को यहाँ पे आमंत्रित किया था, और शबाब साबरी को भी आमंत्रित किया हुआ था, तो वो सबसे उनका एक माहौल अच्छा था और एक खुशियों वाला माहौल इधर सजा के रखा। जिस तरह से लोगों को इस व्यस्त भरी जिंदगी में काम के बाद फ्री हो गए, जैसे सूरज वाटर पार्क है जो एक नाम है लोगों के बीच में, लोग वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही आपने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, जिस तरह से पीएम मोदी का एक सपना है कि हर किसी का अपना घर हो, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? हम एक टाउनशिप अभी ला रहे हैं साईं बाबा बुलेवार्ड के नाम से, वो टाउनशिप 110 एकड़ में है, तो यदि हम ये चाह रहे थे कि अगर आज के डेट में सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है कि घर लेने जा रहे हैं, तो मुंबई में एक सपना हो गया घर आज, तो करोड़ के नीचे कहीं घर मिलना मुश्किल हो गया, तो हम ये ला रहे जिसमें एक अफोर्डेबल आदमी, जो एक साधारण व्यक्ति हो, जो काम करता हो, जो 20,000 की नौकरी पे हो, 30,000 की नौकरी पे हो, तो उसे भी अपना एक घर मिलना चाहिए, तो ये सारे फ्लैट हम चालू करने वाले 20 लाख की शुरुआत से। तो ये काम के लोकेशन कौन कौन से हैं? ये पालघर जिला में बोईसर में स्थित है पूरी जगह, तो लोगों को उसके लिए अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो बुकिंग के लिए, एनीथिंग के लिए, तो कैसे क्या कुछ? हमारा एक वो है, स्टार्टिंग से ही हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम पहले बनाते हैं उसके बाद सेलिंग चालू करेंगे,
तो अभी हम पहले उसको तैयार करेंगे, रेडी पोजेशन करेंगे, उसके बाद हम बेचना चालू करेंगे उसका। थैंक यू।